आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और लास्ट में मेरा एक सॉन्ग है, ज़्यादा नहीं मैं 7 मिनट का परफॉर्मेंस करूँगा। सो बेसिकली फर्स्ट इज़ आजकल सबसे बड़ा जो चीज़ें है ना कि यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है। बेसिकली उसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपना टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ बिता रहा है, एनीवन सोशल मीडिया पर, राइट हेड्स अप। सो वो क्या है ना कि रील्स देखे जा रहा है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें में क्या है ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा साला करना क्या है मेरे को, समझ रहे हो। तो करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है एनीवन। बेसिकली मैं एक नेशनल लेवल एथलीट हूँ और किसी वजह से मुझे बैक पेन इंजरी हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं अब कहीं खेल नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो लेकिन आज भी मैं खेल रहा हूं और अभी हाल में मैं BHU को इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों करना है, आपके पास वजह होना चाहिए। जैसे इन भाई साहब को मैं सुन रहा था, इनके अंदर से आवाज़ आ रही थी, ये इंजॉय कर रहे थे, इज इंजॉइंग, हेड्स अप, हेड्स अप, इज इंजॉइंग। तो आप अपने काम में कितना इन्वॉल्व हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, इसी बात पर डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे। और 3 चीज से सारी चीजें डिसाइड होती है, कैसे, एनीवन जानना चाहेंगे आप, कम ऑन जानना चाहेंगे। तो 3 सवाल है आज आपको देना चाहता हूं। अगर आपके पास ड्रीम है, और अगर ड्रीम नहीं है तो आज अपना जाके ड्रीम पैदा कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ केवल एक ही चीज पे चलती है सारी चीजें, क्या, ड्रीम। सो 3 सवाल करना है, क्या है। और सबसे पहले जहाँ से मैंने सीखा है, मैं अपने गुरु को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं उनका स्टूडेंट हूँ और अभी मुझे हाल ही में विवेक सर से बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है दिल्ली में, थैंक यू सो मच। सो सवाल से शुरू होता है, क्या है सवाल, कम ऑन, हाथ अपना आगे लाइए, कम ऑन एवरीवन, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, कम ऑन। हेलो, मैं रिपीट कर, अभी कहाँ हो, हेलो, कम ऑन, कम ऑन, अभी कहाँ हो, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, तभी मजा आएगा यार। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं बोर कर रहा हूँ तो, बट अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, कम ऑन, अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। आप अपने सपने को मरने नहीं देना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि दुनिया का तो काम है ना, लेकिन अपना काम है करते रहना, ओके। सो तो बेसिकली एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको पता है, आपको अगर अपने आप को चेंज करना है तो क्या चीज़ चाहिए, एनीवन, एनीवन मैम, अगर आपको अपने आप को बदलना है तो क्या चाहिए, ठीक है, वेल वेल, एनीवन, एनीवन, गुड गुड। अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आपके लाइफ में चैलेंज चाहिए, क्योंकि जो आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है, कम ऑन, गेट इट, जो आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है। सो थैंक यू सो मच। रुक जाना नहीं तू कहीं, हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं, हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं, ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हाथों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सो मच। लास्ट में बस आपको एक शायरी के साथ छोड़ना चाहूँगा। जो भी सबका अपना जर्नी है, आपका अपना स्ट्रगल है, गुड, क्योंकि स्ट्रगल से बड़ा कोई लाइफ में लेसन नहीं है। तो आप जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी आपकी कहानी होगी। मेरी 18 साल की उम्र में बिजनेस से मुझे प्यार करा दिया गया था, तो थैंक्स गॉड कि मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ मुझे बिजनेस से प्यार हो गया। और मैं जो भी हूँ भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो लास्ट में उन लोगों के लिए जो ड्रीमर्स हैं और जिनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ये शायरी है कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं। थोड़ा सा चाहूँगा हुटिंग। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, स्वप्न पर्दों को निगाहों से हटाती है। गिरकर हौसला मत हारना ए मंजिल के मुसाफिर, गिर के हौसला मत हारना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू सो मच।